मैं साइट एरिया की तरफ जा रहा था और साइट एरिया के सिग्नल पे मुझे एक फ़ोन आया, तो मैंने गाड़ी साइट पे लगाई और पेट्रोल पंप के साथ जो है वो मैंने गाड़ी पार्क कर दी। तो मैं कॉल ले ही रहा था तो एक बंदा मेरे पास चलते हुए आया और उसने नॉक किया ना कि थोड़ा सा बात सुने मेरी। मैंने थोड़ा सा शीशा खोला, पूरा नहीं खोला, तो उसको जो है वो थोड़ा सा ना स्पेस नहीं मिला, वो ब्लॉक हो गया। उसको मैंने इतना सा शीशा खोला और मैंने उसको बोला, हाँ क्या क्या बात है। तो उसने बस, पहले तो उसको स्पेस नहीं मिला तो वो थोड़ा सा रुका, फिर उसने कहा, यार आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, मुझे चाय नहीं पी हुई, चाय पिला दें, इस तरह की बातें करने लगा। तो मैं भी उसको जज कर रहा था कि ये क्या चाह रहा है, इसकी जो मूवमेंट है वो सही नहीं लग रही है, तो ये किस मूड में चल रहा है। मैं इसको नोट कर रहा था, वो मुझे नोट कर रहा था, मेरे मोबाइल की तरफ देख रहा था वो कि इसके पास कितने मोबाइल हैं। मेरे पास दो मोबाइल पड़े हुए थे आ गई। तो बस फिर उसने जो है वो इधर उधर की बातें करना शुरू की, फिर मुझे कह रहा है कि जो है मेरे पास जो है ना ये लगी हुई है और हम मोबाइल वाले हैं ना। तो मैंने कहा, यार ये तो हर किसी के पास होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका कोई मसला नहीं है, आप मोबाइल वाले हो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप अपने काम से काम रखो। तो कह रहा, नहीं यार आप अच्छे आदमी हो, आप जो है वो आओ हम आपको चाय पिलाते हैं ना। मैंने कहा, यार अभी तो तुम चाय के पैसे मांग रहे थे, अब तुम बोलते चाय पिलाते हैं, कैसी बात कर रहा है, एक एक बात पे तुम है ही नहीं। तो मैं उससे सिर्फ कन्वर्जेशन कर रहा था और हाफ शीशे के अंदर जो है वो मेरी उससे कन्वर्जेशन चलती रही, और वो जो है ना वो भी कन्फ्यूज़ था कि ये कौन है, ये ऐसे बात कर रहा है, इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, इसके पास लगावा तो नहीं है। तो बस उसी कन्फ्यूजन के अंदर वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया और वो चला गया। तो मैंने उसको हाफ शीशे से ही जो है ना वो फारिग कर दिया उसको। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आया और सीखने को भी मिला कि इस तरह से रोड पे जो है वो खड़े होना मुनासिब नहीं है, हर तरह के लोग आपको नोट कर रहे होते हैं, हर तरह की पब्लिक वहाँ से गुजर रही है, तो कोई भी हादसा हो सकता है, तो बी केयरफुल, हमें ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। ड्राइवर की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जो है वो ड्राइवर निकला हुआ था किसी काम से, तो वो भी उसके साथ भी ऐसा हुआ कि वो कोई चीज़ लेने के लिए दुकान में गया है मार्केट में, और जब वो वापस आके गाड़ी में बैठा है तो बाइक वाले आ गए ना। तो वो हमारा बड़ा अच्छा ड्राइवर था, शाहिद उसका नाम था, थोड़ा सा जिसामत भी उसकी अच्छी थी, बोलने का अंदाज़ भी बड़ा मज़े का था उसका, फ़नी भी था थोड़ा सा। तो वो आके गाड़ी में बैठा है, तो जैसे ही गाड़ी में बैठा तो बाइक वाले ना उससे गाड़ी छीनने में आ गए, एक उसके बराबर वाली सीट पे बैठ गया, एक पीछे बैठ गया, एक जो है वो दरवाजे पे आके बोला, चलो चलो उतरो 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 गाड़ी से उतरो। तो वो भी थोड़ा सा सख जान, वो हिले ना उनसे ना, वो उसको खींच रहे हैं, वो बैठा हुआ है, बोला चलो चलो गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए, बोला नहीं यार गाड़ी तो, वो मेरा ड्राइवर ऐसा था अटक गया उसके साथ, मैं बोला नहीं यार मैं गाड़ी तो नहीं दूंगा, ये गाड़ी जो है ना वो किसी और की है, मेरी होती तो मैं तुझे दे देता, लेकिन गाड़ी नहीं दूंगा मैं। वो चारों तरफ से ना उसको खींच रहे हैं, वो इधर से खींच रहा है, वो पीछे से खींच रहा है कि उतरो उतरो, लेकिन वो भी जवान का बच्चा जो है ना अटक गया उनसे ना, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, वो हिल नहीं रहा, बोला नहीं मैं गाड़ी नहीं दूंगा, मैं उतरूंगा नहीं, वो उसको खींच रहे हैं, लेकिन वो कह रहा नहीं मैं जो है वो उतरूंगा नहीं, ये किसी और की गाड़ी है, मेरे मोबाइल ले लो, मेरे पैसे ले लो, गाड़ी मैं तुम्हें नहीं देता। तो उनके साथ उन्होंने बड़ा अजीब सा सीन किया। बहरहाल वो फिर वो भी एकदम से घबरा गए ना, फिर उन्होंने कहा, यार ऐसे धक्का दिया उसको, यार जा तू छोड़, इसको छोड़ यार, चल कोई और देखते हैं, ये सनकी है साला, तो और इस तरह करके जो है ना उसने गाड़ी बचा ली। तो उसने वो सुनाया, बड़ा अप्रिशिएट भी किया मैंने, लेकिन उसको कहा यार गाड़ी दे देता, खामो खाई जो है वो गाड़ी के चक्कर में चली जाती। तो कह रहा नहीं साहब गाड़ी जो है वो अपनी रोजी है तो नहीं देना मुनासिब समझा, तो इस चक्कर में बस ये थी कहानी उसकी। निकाल नहीं।